नमस्कार, मैं बीके दीक्षित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और साथ में दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। होप यू विल एन्जॉय द फेस्टिवल दीपावली एंड ऑनलाइन लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, यू नो कि ये जो आज का जो वीडियो है क्लास 12th के लिए, वो इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। एंड आप सबको मालूम है कि इस साल जो 30% सिलेबस में कटौती हुई है, उस वजह से ये जो है इवोल्यूशन चैप्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन नीट के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो होप यू विल रीड स्टडी द वीडियो, लिसन द वीडियो केयरफुली एंड गेट प्रिपेयर फॉर द नीट एग्जामिनेशन। तो आइए चलते हैं कि इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या क्या हैं, उन मैटर को जानने की कोशिश किया जाए। तो सबसे पहले मैं जो पहला टॉपिक है वह है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स है, इट इज ओरिजिनेटेड बिफोर 20 बिलियन ईयर्स एगो। यानी यूनिवर्स की जो ओरिजिन हुई थी वो 20 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी, एंड इट्स ओरिजिन वाज एक्सप्लेन्ड बाई एन साइंटिस्ट एबे लेमेटियर, एंड ही प्रपोज ए थियरी दैट इज कॉल्ड बिग बैंग थियरी। यानी हम ये कह सकते हैं कि बिग बैंग थियरी वाज गिवन बाई एबे लेमेटियर, इन विच ही एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, एंड ही ऑल्सो एज्यूम ये प्रीमेबल एटम, एंड इट इज द फ्रॉम प्रीमेबल एटम, इन द प्रीमेबल एटम ए ह्यूज एक्सप्लोजन, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाज कैरिड आउट, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वेरियस पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आर फॉर्म। ठीक है, यानी जो भी पार्ट हैं, गैलेक्सीज हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, वो फॉर्म हुए हैं। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, देखिए यूनिवर्स के बाद से एक नेबुलर हाइपोथेसिस आई दैट वाज गिवन बाय द कांट लाप्लास, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नेबुलर हाइपोथेसिस ही एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज एक्सेट्रा। ओके, तो आई थिंक दिस इज अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। नाउ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, वो तो सबसे पहले इसमें हमें जानना होगा पीरियड गिवन इट वाज ओरिजिनेटेड। तो अर्थ वाज ओरिजिनेटेड 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, एंड हाउ इट इज ओरिजिनेटेड, ऐसा नेबुलर हाइपोथेसिस में तो ऐसा माना जाता है कि जो पीसेस थे, जो क्लाउड एंड डस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स कंडेंस विथ ईच अदर, एंड बाई कंडेंसेशन एंड कंडेंसेशन दी सोलर बॉडीज आर फॉर्म, इन विच अर्थ वाज ऑल्सो फॉर्म। तो अर्लियर द अर्थ में जो स्ट्रक्चर क्या था, अर्थ का जो स्ट्रक्चर था, लाइटर एटम्स जो थे जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वाज इन द एटमॉस्फियर, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट प्रिमिटिव एटमॉस्फियर, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इट वाज रिड्यूसिंग इन नेचर। वाई इज इट वाज रिड्यूसिंग, क्योंकि हाइड्रोजन वाज प्रेजेंट है। यू नो कि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इस वजह से अर्लियर एटमॉस्फियर वाज रिड्यूसिंग एंड नाउ एटमॉस्फियर इज ऑक्सीडाइजिंग बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, नो फ्री हाइड्रोजन यू कैन फाइंड आउट एनीवेयर। नाउ लाइफ वॉज स्टार्टेड बिफोर 500 बिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। यानी देखिए 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ की ओरिजिन हुई, और 500 मिलियन ईयर्स लेटर, यानी 0.5 बिलियन ईयर्स लेटर अर्थ वॉज ओरिजिनेटेड। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि 4 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ वॉज लाइफ वॉज ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। और जो भी एविडेंसेस मिलते हैं जैसे मेटियोराइट्स वगैरह के ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर के जो प्रूफ मिलते हैं, वो 3.9 बिलियन ईयर्स एगो के मिलते हैं। तो दैट अजम्पशन इज कैन बी से एज ओके। ठीक, ओके। नाउ द सम थियरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अर्लियर जो कॉन्सेप्ट थे जिसके पीछे कुछ साइंटिफिक आधार थे, कुछ एजम्पशन थे, कुछ रिलीजियस थे, उनको हम लोग एज ए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, फादर स्वारेज एक प्रिस्ट थे, क्रिश्चियन ये प्रिस्ट थे, ये इनका मानना था कि गॉड वाज क्रिएटेड द
लाइफ ऑन द अर्थ एंड इन द सिक्स डे द होल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ वॉज क्रिएटेड एंड इज सन इंक्लूडिंग अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट्स एनिमल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इसकी भी एक हिस्ट्री है बट हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाएंगे. द नेक्स्ट थियरी इज द थियरी ऑफ एंस्पर्मिया कॉस्मोजोइक थियरी. इट वॉज गिवन बाई द चार्ल्स डार्विन. इसमें क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि द लाइफ कम फ्रॉम द अनदर प्लेनेट बट इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. उसके बाद से जो थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है ना, जो प्रीवियस जो थियरीज है, उसमें एक और थियरी जो काफ़ी चर्चित रही दैट वाज द थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन. यानी इसके जो प्रवर्तक थे, इसके जो सपोर्टर थे, वो थे एरिस्टोटल, अरस्तु जिसको हम लोग कॉमनली जानते हैं. वान हेलमॉन्ट ऑल्सो सपोर्टेड दिस थियरी. और इस थियरी में क्या है, इस स्पॉन्टेनियस ओरिजिन का मतलब यह होता है कि अपने आप लाइफ ओरिजिनेट हो गई. ठीक है ना, इनका ये मानना था कि लाइफ अपने आप ओरिजिन हो गई. जैसे दही, इनका ये कुछ लोगों का मानना था कि दही के अंदर जो है काउ रंग डाल दीजिए तो बिच्छू अपने आप पैदा हो जाते हैं. इसी तरह से वान हेलमॉन्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने पसीने से भीगी हुई जो सॉल्ट है उसको एक बॉक्स के अंदर रख दिया, गेहूँ की बाली रख दी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 21 डेज में उसमें से रैट प्रोड्यूस हो जाएंगे. तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल. नाउ एडेड इसको स्ट्रांगली अपोज किया था लुई पाश्चर ने, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे. इन्होंने इस चीज़ को नीचे दिए गए एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया कि नहीं नहीं अपने आप यार लाइफ कैसे ओरिजिनेट हो सकती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. है ना, लाइफ के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ चाहिए, स्पोर्ट चाहिए, कुछ लाइफ आइडेंटिटी चाहिए जिससे लाइफ ओरिजिनेट होगी. तो इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ये टोटली गलत प्रूव हो गया. हालांकि इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट लेजेरो स्पेलजानी ने भी किया था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में कुछ कमियां थी जिसके वजह से लुइस ने उन कमियों को दूर करते हुए जब अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा स्ट्रांगली जब कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया, उसके बाद स्पॉन्टेनियस ओरिजिन की थियोरी पर पूर्ण विराम लग गया. ठीक है, तो क्या था एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्चुअली एक ये देखिए राउंड फ्लास्क है, इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं शुगर केन लिया, कुछ लोग कहते हैं कि मीट का शोरबा लिया, जो भी लो जो भी लीजिए, ऑर्गेनिक कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए. ठीक है ना, सपोर्ट दैट सपोर्ट द लाइफ, जिसमें लाइफ की ओरिजिन हो सके. उसको बॉयल किया और यहाँ पर एक एस शेप ट्यूब लगा दी. ठीक है, एस शेप ट्यूब लगा दी, और ट्यूब लगाने के बाद से जब तक ट्यूब इंटैक्ट रहा ऐसे, इसके अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई. लेकिन जैसे ही इन्होंने ट्यूब को कट कर दिया, क्या हुआ, इसके अंदर लाइफ ओरिजिनेट हो गई. तो इस बेस पर उन्होंने ये कहा कि ये लाइफ इसलिए ओरिजिनेट हुई क्योंकि जब हमने इसके माउथ को ओपन कर दिया तो एयर के अंदर प्रेजेंट जो माइक्रोब से दैट मिक्स विद द मिक्स हो गया किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंटेंट के अंदर, एंड देन द लाइफ इज ओरिजिनेटेड. अच्छा, इस जो स्पेलजानी का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया था कि इसके माउथ को उन्होंने क्लोज कर दिया था. तो साइंटिस्टों ने कहा कि भाई जब आपने माउथ क्लोज कर दिया तो इसमें एयर कैसे जाएगा, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा उतना नहीं वो मिला. तो लुई पाश्चर ने क्या किया, यहाँ पर कॉटन लगा दिया. कह भाई ठीक है मैं कॉटन लगा दे रहा हूँ, एयर तो जाएगी, अब भाई कॉटन एयर को तो नहीं रोकेगा, एयर तो जाएगी, तो वो भी कंडीशन पूरी हो गई. तो इस तरीके से दैट एक्सपेरिमेंट वॉज ए माइल्ड स्टोन इन द फील्ड ऑफ द थियरी ऑफ ओरिजिना लाइफ. इन्होंने खुद भी अपना जो थियरी दिया कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम लाइफ, लाइफ की ओरिजिन लाइफ से होती है, जिसको हम लोग बायोजीनेसिस थियरी कहते हैं. अच्छा, इस स्पॉन्टेनियस थियरी को ए बायोजीनेसिस थियरी भी कहा जाता है. तो बायोजीनेसिस थियरी में वो तो ए बायोजीनेसिस थियरी था अरिस्टोटल की, लुई पाश्चर की जो बायोजीनेसिस थियरी आई उसके पीछे एक बड़ा पेच ये था, यार ठीक है कि लाइफ से लाइफ की ओरिजिन हुई, बट फर्स्ट टाइम लाइफ आया कहाँ से भाई. ये तो क्लियर है कि चलो अंडा पहले हुआ या मुर्गी पहले हुई, ठीक है मानते हैं कि अंडा से मुर्गी का डेवलपमेंट हुआ, मुर्गी से अंडे का डेवलपमेंट हुआ, बट अंडा या मुर्गी में से कोई तो पहले आया होगा, वो आया कैसे. दैट वॉज ए वेरी मतलब पॉइंट जिसको बाद के साइंटिस्टों ने ट्राई किया एक्सप्लेन करने के लिए. और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेम है वो है AI ओपायरिन का नाम आता है. इन्होंने जो थियरी दी उसको कहा गया थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, या इसी को हम लोग कहते हैं ये केमिकल इवोल्यूशन थियरी है.
नेचुरलिस्टिक थियरी है या जो भी थियरी कही है, बट इट वॉज एबल टू एक्सप्लेन एंड गिव द आंसर्स ऑफ द मेनी क्वेश्चंस। तो आजकल हम लोग इसी थियरी को मानते हैं, एंड होप आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि इस थियरी में यस, हाँ यार, इस थियरी में कुछ दम तो है। चलिए देखते हैं क्या दम है इसमें। ई आई पोपेरी ने जब इस थियरी को दिया तो उसको जेबियस हाल्डेन ने जो है वो इसको जो है प्रूफ किया। जेबियस हाल्डेन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जेबियस हाल्डेन ये ब्रिटिश ओरिजिन के साइंटिस्ट थे और इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप स्वीकार की थी और दार्जिलिंग में अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक रहे। तो ये पहला एग्जाम्पल है कि भाई आपने ये तो बहुत सारा सुना होगा कि इंडियन साइंटिस्ट अमेरिका जाके अमेरिकन हो जाते हैं, बट एक इंग्लैंड का साइंटिस्ट वो इंडिया में आकर रहना शुरू करे, इंडिया की सिटीजनशिप स्वीकार करे, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस पर जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। ई आई ओपेरी ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, हाउ लाइफ, इनको इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था, वेल एक्सप्लेन किया था। अच्छा, इन्होंने जो मेन मेन पॉइंट्स जो दिए उसको हमने एक उसको हम स्टेप के रूप में आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। इसको दो पार्ट में पहले उन्होंने डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस थियरी केमिकली इवोल्यूशन हुआ, केमिकल इवोल्यूशन हुआ एंड देन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। तो पहले केमिकल इवोल्यूशन में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको पहले ही बताया गया है कि अर्थ के आउटर एटमॉस्फियर में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब जो है वो प्रेजेंट थे, ठीक है ना। तो और उस बट उस समय अर्थ का जो टेम्परेचर था दैट वॉज वेरी वेरी हाई। तो जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन हुआ दीज मॉलिक्यूल्स हैड फॉर्म, यानी पहले उसमें क्या बने, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। और ये किससे बने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये लाइटर एटम जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट थे उनमें रिएक्शन हुआ एंड देन दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म। उसके बाद से इन कंपाउंड में आपस में रिएक्शन हुआ, देन फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स, ये जो है मोनोसेकेराइड्स वगैरह बने, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स, इनको हम मान सकते हैं। थर्ड स्टेप में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, यानी जो सेकेंड स्टेप में जो मॉलिक्यूल बने उनका पॉलीमराइजेशन हुआ, देन स्टार्च, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, फैट एक्सेट्रा फॉर्म हुआ। देखिए धीरे धीरे ये केमिकल इवोल्यूशन जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ की भूमिका तैयार कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए फॉर्मेशन ऑफ कोए सर्वेट्स। अच्छा, ये कोए सर्वेट्स जो है बने जो कि फर्स्ट, मतलब इट इज करेक्ट कैन बी से कि ये नॉन लिविंग था, बट इसके अगले स्टेप में जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो फॉर्म हो गए, ठीक है। देखिए उसके बाद से जो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आता है, ठीक है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी क्या है कि जो कोए सर्वेट्स का हमने आपको नाम लिया, कोए सर्वेट्स जो है ये मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हम मान सकते हैं जिसमें केवल न्यूक्लियस या डीएनए नहीं है, मतलब एक्सेप्ट डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सभी मिल करके एक ऐसा प्रोटोप्लाज्मिक मास बना लिए। दो जो सिंस डीएनए वाज़ एसेंट सो उसको हम लिविंग नहीं कह सकते हैं, लेकिन बट एज द डीएनए इंटर इनटू दिस कोए सर्वेट इट इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट सेल, ठीक है ना। तो ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल कैसे हुआ, फर्स्ट सेल नॉन सेलुलर था और इट कुड बी ओरिजिनेटेड बिफोर 3 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, ये समझ सकते हैं आप। तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ मस्ट हैव अपीयर्ड अबाउट लेस देन 2 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये नॉन सेलुलर फॉर्म जो था, नॉन सेलुलर फॉर्म जैसे हम कह सकते हैं कि आप वायरसेस को मान सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो मिला उसका जो एविडेंस मिलता है वो 2 बिलियन ईयर्स एगो मिलता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हेल्प किए ओरिजिन ऑफ लाइफ में, तो हाई टेम्परेचर, उस समय टेम्परेचर बहुत हाई था, वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थ में बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस उसमें होते रहते थे, ठीक है, यूवी रेज रिड्यूसिंग एटमॉस्फियर। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अच्छा, क्या कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है, ऐसे ही कहानी कही जा रही है, हवा में बातें की जा रही है। हवा में बात करने से कोई साइंटिस्ट थोड़े मानता है इस चीज़ को, नहीं,
एआईओ पर ने जो भी बात कही ना उसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी साइंटिस्टों ने दिए, इसलिए ये थियरी आजकल इतनी बिलीवेबल है, इतना हम लोग विश्वास करते हैं। तो पहला जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट वाज गिवन बाय स्टैनले मिलर एंड हेराल्ड यूरे के शिष्य थे स्टैनले मिलर, इन्हीं के अंदर में रिसर्च करते थे, और इन्होंने एक प्रिमिटिव एटमॉस्फियर का एजम्पशन करके और एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। अब यू कैन सी हियर द सेटअप। इन्होंने कहा कि ये जो ट्यूब्स थी, ग्लास की ट्यूब्स थी, इसमें इन्होंने ये 5 लीटर फ्लास्क लिया, यहाँ पर भी एक ग्लास फ्लास्क लिया। अब उसके बाद से यहाँ एक कंडेंसर लगाया, तो सॉरी ये कंडेंसर लगाया, यहाँ पर इन्होंने जो है एक ये भी कंडेंसर ही है, यहाँ पर वाटर को कूल करने का काम किया जाता है, कंडेंसर यहाँ पर, ये कंडेंसर यहाँ लगाया। तो देखिए ये 5 लीटर फ्लास्क, यहाँ कंडेंसर, और यहाँ पर एक फ्लास्क लिया जिसमें वाटर को हीट किया जा रहा था, ठीक है, और इस यहाँ पर इस जो पाइप है ना इसको टोटली एयर टाइट, मतलब इसमें एयर इसमें से निकाल करके और वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया। पहले इन्होंने क्या किया, इसमें से एयर निकाल के वैक्यूम क्रिएट कर दिया, फिर इन्होंने यहाँ पे वाटर फिल करके और इसको हीट किया, ठीक है। तो हीट किया तो वाटर वेपर, चूंकि उस समय वाटर वेपर के रूप में था, तो वाटर को वेपर के रूप में क्रिएट करने के लिए ये किया गया। और यहाँ पर क्या किया गया कि जो 843 की रेशियो 841 रेशियो में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर भर दिया गया, ठीक है। और इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इलेक्ट्रोड्स लगाए और इलेक्ट्रोड्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर डिस्पर्शन कराया, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोड्स डिस्चार्ज जो कहते हैं ना, जिस जो है वहाँ पर हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया इन्होंने, ये अब देखिए इसका एटमॉस्फेरिक उससे सिमुलेशन कैसे है, यहाँ से वाटर को हीट किया, वाटर वेपर फॉर्म हो गया, यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रोड का डिस्चार्ज करके उन्होंने उसमें जो लाइटनिंग की जो कंडीशंस होती है उसको क्रिएट करने की कोशिश की। एटमॉस्फेयर क्या था, टोटली जो है वो वैक्यूम था, तो यही गैसेस डोमिनेंट थी और कोई गैस थी नहीं। खैर इस सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब यहाँ पर जो एकत्र लिक्विड, यहाँ पर जो कलेक्टेड लिक्विड था, चूंकि यहाँ कंडेंसेशन हुआ तो ये लिक्विड जो यहाँ पर कलेक्ट हुआ उसकी जब उन्होंने एनालिसिस की तो इंटरेस्टिंग, उसमें से बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो ऑब्टेन हुए। अब आप सोचिए कि एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को लेकर के, वाटर वेपर को लेकर के, और एमिनो एसिड्स या फैटी एसिड्स या अदर जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अगर बनाए जा सकते हैं तो क्या प्रीवियस एटमॉस्फेयर में नहीं बना होगा, जरूर बना होगा। और दिस वाज ए ग्रेट एविडेंस दैट सपोर्ट द एआईओ पेरिन एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस, थियरी को सपोर्ट किया, बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया। उसके बाद से कोए सर्वेट का जो एक कॉन्सेप्ट आता है ना, कोए सर्वेट जो है एक सिडनी ऑफ फॉक्स साइंटिस्ट थी, उन्होंने जो है कोए सर्वेट्स को बनाया लेबोरेटरी के अंदर, और उन्होंने प्रूव किया यस अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ले लें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो लिविंग मटेरियल मतलब प्रोटोप्लाज्म को हम बना सकते हैं, एंड दैट वाज प्रूव बाय सिडनी एफ फॉक्स। तो ये जो दो एक्सपेरिमेंट है स्ट्रॉन्गली जो है वो पेरिन की थियोरी की हेल्प करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको भी लगता होगा कि यस हाँ यार ऐसा तो ऐसा हुआ होगा, लगता है ना ऐसा, ओके चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बाद से जो है एवोल्यूशन, अच्छा कुछ और बातें मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट सेल के बाद से जिसको हम प्रोटोबायोंट बोलते हैं, फर्स्ट सेल के बाद जो मोस्टली सेप्रोफिटिक थे, तो ओशन के, अब सब ये ओशन के अंदर हुआ, तो सेप्रोफिटिक थे उस उन्होंने फिर पैरासिटिक एडाप्टेशन को मोड को अडाप्ट किया, तब जाके ऑटोट्रॉफिक मोड, उसमें भी कीमोट्रॉफिक मोड सब वो डेवलप हुए, और लास्ट में ये म्यूटेशन के द्वारा जो है उसके अंदर पिगमेंट्स क्लोरोफिल डेवलप हुआ, और जब क्लोरोफिल का जो डेवलपमेंट हुआ ना तब जाकर के बायोलॉजिकल मैंने लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। और ट्विस्ट क्या आ गया, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होने लगा, भाई पहले एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया द्वारा होता था, फिर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होने लगा, उसके बाद से क्या हुआ ऑक्सीजन का जब प्रोडक्शन हुआ तो ओजोन लेयर बन गई, और जब ओजोन लेयर जब फॉर्म हुई तो फिर लाइफ जो है ओशन से अर्थ की तरफ माइग्रेट होने लगी,
ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे इसके। नाउ कम ऑन द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन अगर हम शब्द को देखें तो देखो, इवॉल्व वियर वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है अनफोल्ड हिडन पोटेंसी पोटेंशियलिटी। आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है और अगर कोई पर्सन आपकी कैपेबिलिटी को अनफोल्ड कर दे, यानी उसको सामने ला दे, ठीक है ना, आपकी जो आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसको आपके आपके अंदर अंदर निहित जो शक्ति है उसको बाहर लाने की कोशिश जो करे, तो वही अनफोल्डिंग का होती है ना, अनफोल्ड कर देना। तो इवोल्यूशन क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहता है कि जो जो एटमॉस अर्थ के अंदर जो अनहिडन जो हिडन पोटेंशियलिटीज है नेचर के अंदर, उसको जब वो अनफोल्ड होता है तो इवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये तो आप पढ़ लेंगे, या इस वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। मतलब इवोल्यूशन को एक बहुत ही छोटे से शब्द में एक्सप्लेन किया जा सकता है कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन के साथ, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना, परिवर्तन के साथ, ठीक है ना, परिवर्तन के साथ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब इंडिविजुअल जाता है, जब दूसरी जनरेशन आती है, तो ऐसा माना जाता है कि इट इज मोर इवॉल्व देन द प्रीवियस वन, ठीक है। अक्सर आप बात सुनते हो कि अरे आज के बच्चे यानी दे आर मोर मतलब एडवांस देन द प्रीवियस वन। आप अपनी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के बारे में भी आप भी यही कहेंगे, हम भी सुनते आ रहे हैं, हम भी सुनाते आ रहे हैं, आप भी सुनेंगे, आगे सुनाएंगे। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है ये ऑटोमेटिकली लिटिल बिट एडवांस होती है, क्योंकि ऐसा एटमॉस्फियर होता है जो हमने सीखा वो ऑलरेडी बचपन में ही सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी इसमें बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग। तो दिस चेंज इनहेरिटेड जो पॉपुलेशन है, इसके एविडेंसेस ये है, पोटेंशियल एविडेंसेस है, कंपेरेटिव एनाटॉमिक एविडेंसेस है। तो सबसे हम एविडेंसेस एक एक करके ले रहे हैं, वो तो आप पढ़ ही लेंगे उधर। सबसे यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉसिल, स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियंटोलॉजी, यानी फॉसिल इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए इसमें जो फॉसिल क्या होते हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, या उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो इम्प्रेशंस होते हैं जो अर्थ के अंदर दबे होते हैं, दे आर बरीड इन द अर्थ, उन्हीं को हम फॉसिल्स कहते हैं। यानी फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ हार्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, आर दे आर इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अर्थ और इज कॉल्ड फॉसिल्स, ठीक है। अब ये रॉक्स के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं, मेनली सेडिमेंट्री रॉक में, क्योंकि इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखाए गए, देखिए ये ऑल दिस थिंग्स आर पैलियोबॉटनिस्ट या पैलियोजियोलॉजिस्ट, जिसको हम पैलियंटोलॉजिस्ट कह सकते हैं। तो देखिए ये ऑर्गेनिज्म के देखिए इतनी इंप्रेशन क्लियर मिलते हैं कि इससे ये रॉक्स के अंदर बहुत ही बारीकी के साथ इनके इंप्रेशंस को ऑब्टेन करते हैं, एंड देन ये ऑब्जर्वेशन के बेस पर, देखिए ऑब्जर्वेशन स्किल का यूज़ करते हुए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑर्गेनिज्म को, उसको फाइंड आउट करते हैं, फिर उनको सिमुलेट करते हैं, ठीक है। किसी ने देखा नहीं है कि डायनासोर कैसा था, बट इन्हीं इंप्रेशंस और इन्हीं फॉसिल्स के बेस पर डायनासोर का एक आकृति, एक शेप जो है लोगों ने बनाया, जो आज आप देखते हो। ऐसा किसी ने देखा है? उसमें ह्यूमन था ही नहीं, तो देखेगा कौन, ठीक है ना। ओके चलिए, तो अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंस है, और ये एविडेंस है होमोलॉगस आर्गन एंड एनालॉगस आर्गन। यानी दो तरह के आर्गन हमारी बॉडीज के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड होमोलॉगस एंड एनालॉगस आर्गन। इनको जानने की कोशिश हम करते हैं। देखो होमोलॉगस यानी सेम ओरिजिन, इनको आप बस इतनी ये पॉइंट पकड़ लोगे ना, तो फिर समझ लो ये समझ गए। होमो मतलब सेम, लॉगस यानी ओरिजिन, एना मतलब डिफरेंट, लॉगस मतलब डिफरेंट ओरिजिन। यानी दोज ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन इंटरनल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन। और एनालॉगस ऑर्गन क्या है? दोज ऑर्गन्स विच आर डिफरेंट इन ओरिजिन बट हैव सिमिलर फंक्शंस आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। अब आप कहोगे कि यार तो इससे क्या हमको फायदा मिला, हमको क्या इससे जानकारी मिली? यस, इससे बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। पहले हम एग्जाम्पल लेकर फिर आगे चल आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स को कंपेयर किया जाए, जैसे फोर लिंब ऑफ ह्यूमन है, हॉर्स के जो अगली टांगे होती है ना आगे की जो है, विंग ऑफ बैड, फ्लैंक
फ्लिपर, आप सील, ये सब के फंक्शंस आपको डिफरेंट मिलेंगे। लेकिन अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखो ना, तो वही पांच बोन मिलेंगे। कौन कौन? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस। मतलब जितने ऑर्गेनिज्म का नाम लिया गया सब में यही बोन मिलते हैं। इट्स शोज दे हैव ए कॉमन एंसेस्टर, यानी इनकी ओरिजिन किससे हुई है? एक कॉमन एंसेस्टर से हुई है। और चूंकि ये अलग अलग हैबिटेट पर रहने लगे, इसलिए इनके अंदर मॉडिफिकेशन आ गया। तो ये क्यों, ये शो करता है कि हाउ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस। कन्वर्जेंट मतलब एक एंसेस्टर से जब अलग अलग डायरेक्शन में डिवोल्यूशन होने लगे, तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो होमोलागस ऑर्गन की स्टडी से हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, और डाइवर्जेंट का मतलब एक कॉमन एंसेस्टर से हाउ डिफरेंट ग्रुप्स आर फॉर्म, ये इस चीज की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, प्लांट में ये एग्जाम्पल है, इनको याद रखिएगा, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया और टेंड्रिला कुकरबिट, ये स्टेम ओरिजिनेट है, यानी इनकी ओरिजिन स्टेम से हुई है, इसलिए होमोलागस है। इसी तरह से रूट से ओरिजिन होने वाले दो डिफरेंट प्लांट पार्ट का भी नाम आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये होमोलागस ऑर्गन के एग्जाम्पल है। एनालॉगस ऑर्गन के देखिए, आई ऑक्टोपस है, विंग ऑफ बटरफ्लाई है या अदर बर्ड्स है, ये क्या है, फंक्शन तो इनका सेम है। नहीं, यहाँ पर देखिए, आई ऑफ ऑक्टोपस और ह्यूमन अदर, मतलब यहाँ अलग हो गया, उन्होंने ऑक्टोपस और अदर ऑर्गेनिज्म के आई में काफ़ी डिफरेंस है, मतलब ये काम एक करते हैं, फंक्शन सेम है, लेकिन इनकी ओरिजिन अलग अलग है। इसका मतलब कि अगर एक ही हैबिटेट में दो अलग अलग ओरिजिन के ऑर्गेनिज्म साथ रहने लगे, तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हो जाता है। ठीक है ना, इससे भी हमें इवोल्यूशन की आइडिया मिलती है। ऐसे विंग ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड है, एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन दे हेल्प इन द फ्लाइंग। इसी तरह ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो और पोटैटो, अब देखो दोनों फूड को स्टोर करते हैं, बट एक रूट है और एक स्टेम है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एविडेंस को आप देख सकते हो कि होमोलागस कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट ग्रुप्स जो है फॉर्म हो रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और ये जो एनालॉगस ऑर्गन है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं सेम हैबिटेट में रहने के कारण, ठीक है ना, एक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वो करते हैं, इसलिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एविडेंस है। इसके बाद थियरी ऑफ इवोल्यूशन। अब प्रश्न उठता है कि सर ठीक है, मान लेते हैं इवोल्यूशन हुआ, बट कैसे हुआ? तो इससे रिलेटेड अलग अलग थियरी है, जैसे लेमार्क की थियरी है, जिसको प्रपोज किया था लेमार्क ने, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फिलोसफी जूलॉजी, और उसमें जो मेन पॉइंट इनकी थियरी का था वो ये था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लीड इवोल्यूशन इन द ऑर्गेनिज्म। जब इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो अकॉर्डिंगली ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन या अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी चेंज होता है, तो जो चेंज होते हैं, जो एक्वायर किए जाते हैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा लाइफ में, वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होकर के, यानी ट्रांसफ़र होकर के, यानी इनहेरिट होकर के उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पेरेंट से डिफरेंट बना देते हैं, और यही न्यू स्पीसीज की ओरिजिन का लैमार्क का कॉन्सेप्ट है। क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसी तरफ डार्विनिज्म ने थोड़ा अलग हट करके दिया, उनका ये कहना था, इन्होंने एक बुक भी लिखी, द ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय नेचुरल सेलेक्शन, तो इनका हेल्प किया था, एक और साइंटिस्ट थे इन्होंने हेल्प किया था, जिनका नाम था चलिए इनका नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये डार्विन ने लिखा था। ठीक है, और इसके बाद से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थियरी यूजफुल वेरिएशन मेक्स द ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल इन द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, यानी इनके कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वेरिएशन प्रोड्यूस होगा, और जो यूजफुल वेरिएशंस होंगे दैट मेक्स द ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। ठीक है ना, उन्होंने दोनों लोगों ने जिराफ को लेकर के एक्सप्लेन किया था, दोनों लोगों के तरीके अलग अलग थे, जहाँ इनका वेरिएशन पर जोर था, वहीं यहाँ पर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा जोर था। इनका जो डार्विन का कहना था कि जो वेरिएशन प्रोड्यूस होती है, दे आर ग्रेजुअली एकुमुलेटेड ऑफ दीज कैरेक्टर, ये कैरेक्टर्स के रूप में इंडिविजुअल्स के अंदर एकुमुलेट होती जाती हैं और उनका इनहेरिटेंस होता रहता है, और इस तरीके से कुछ जनरेशन के बाद जो न्यू जनरेशन के इस इंडिविजुअल हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफर होकर नए स्पीसीज बनाते हैं। म्यूटेशन थियरी इट वॉज गिवन बाई ह्यूगो डिब्रिज, इन्होंने कहा कि भाई सडन जीन में चेंज हो जाता है इसलिए कैरेक्टर चेंज हो जाता है। ये सब लोग अपनी अपनी बातें कहते रहे, बीच मैन इसी बीच आए, उन्होंने भी अपनी थियरी कही,
उसको सब इस तरीके से एक सर्वमान थियरी के ऊपर नहीं पहुंचा जा सका। तब क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि यार सब में कुछ ना कुछ अच्छाई है, सबको जो है क्या करो, एक साथ कलेक्ट करो, एक बढ़िया थियरी बना दो। यानी क्या हुआ, वही भानुमति का कुनबा बनाया गया। देखा ना, कहीं का रोड़ा, कहीं 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 का रोड़ा मिला के उन्होंने क्या बना दिया, भानुमति का कुनबा जोड़ा। तो ये मॉडर्न सिंथेटिक थियरी वही भानुमति का कुनबा है। लेमार्क की भी अच्छी बात को ले लिया, डार्विन की भी अच्छी बात को ले लिया, ह्यूगो डिब्रिज की भी अच्छी बात को ले लिया, ठीक है, बीजमैन की भी अच्छी बात को ले लिया, और क्या बना दिया, मॉडर्न सिंथेटिक थियरी। इसलिए इसके पीछे किसी एक साइंटिस्ट का नाम नहीं लिया जा सकता है। ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट आर इवॉल्विंग गिविंग द शेप ऑफ द थियरी एंड दिस थियरी इज एन असेंबलेज ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ ऑल द थियरीज एट दैट टाइम। अब इस थियरी में मेन क्या है कि पहले वेरिएशन प्रोड्यूस होगा। देखो भाई, क्या इन्होंने कहा कि भाई पहले वेरिएशन प्रोड्यूस होगा, फिर जो वेरिएशन होगा उसका नेचुरल सेलेक्शन होगा, नेचुरल सेलेक्शन को इंडिविजुअल जो है नई स्पीसीज की ओरिजिन होगी, स्पेसिएशन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस होगा, उसके पीछे म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेरिएशन को प्रोड्यूस करेंगे। एंड दीज प्रोड्यूस वेरिएशंस आर देन सेलेक्टेड बाय द नेचर एंड नेचुरल सेलेक्शन होगा। नेचुरल सेलेक्शन के बाद जब वो कैरेक्टर्स एक्युमुलेट हो जाएंगे किसी एक एक इंडिविजुअल के अंदर, तो अपने पेरेंट्स ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा, नई स्पीसीज की ओरिजिन हो जाएगी। तो ये मॉडर्न सिंथेटिक थियरी आजकल ज़्यादा अप्रिसिएबल है। तो होप, देखिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी में इसको कवर करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे मालूम था कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और देखिए आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया। तो कैसा आपको ये लगा वीडियो, आप अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको मिलने वाले हैं भविष्य में। थैंक यू वेरी मच।